दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को सूरत के जीआईडीसी इलाके में स्थित विश्वप्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के पास टैंकर से जहरीली गैस के लीक होने से मिल के 6 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में हैं। गुजरात के सूरत में जहरीली गैस लीक होने के बाद 6 मजदूरों की मौत से जुड़े मामले में नई जानकारी सामने आई है। मौके पर मौजूद मजदूरों ने बताया कि एक अज्ञात ट्रक ड्राइवर नाले में जहरीली केमिकल डाल रहा था, तब अचानक गैस लीक हुई। पुलिस इलाके के सीसीटीवी तलाश रही है जिससे इस अज्ञात ट्रक ड्राइवर की पहचान की जा सके। जहरीली गैस की चपेट में आए 25 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 8 वेंटिलेटर पर बताए जा रहे हैं। सभी प्रभावितों का इलाज सूरत न्यू सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना लगते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया था। मिली जानकारी के अनुसार जीआईडीसी में राजकमल चिकड़ी प्लॉट नंबर 362 के बाहर 10 मीटर की दूरी पर खड़े केमिकल टैंकर से कुछ ही दूरी पर मजदूर सो रहे थे जो इस जहरीले रसायन से प्रभावित हुए हैं। खबर है कि यह हादसा उस दौरान हुआ जब टैंकर से केमिकल फेंका जा रहा था। फिलहाल 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर ओंकार चौधरी ने बताया कि तड़के सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में एक कंपनी में गैस रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का इलाज जारी है। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में केमिकल वेस्ट टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। यह हादसा अहमदाबाद के ढोलका स्थित श्रीपाल ग्रुप की विशाल फैब्रिक यूनिट में हुआ। हालांकि उस हादसे में गैस लीक का पता नहीं चल सका था।